अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर ज्योग्राफी बुक्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय वेव, यानी लहरों से, लहर से क्या मुराद है। द अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेव। अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे, बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे, पानी की ऊपर नीचे आगे और पीछे जो मूवमेंट है उसको हम लहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन टाइड्स, द कंटिन्यूस राइज एंड फॉल इन द सी लेवल इज कॉल्ड टाइड्स। समुद्री पानी के अंदर मुसलसल जो उसका उतार चढ़ाव है इसको हम कहते हैं टाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओशन एंड सी। ओशन एंड सी के दरमियान में डिफरेंस लिखना है, तो आपने इसी तरह से ये दरमियान में मार्जिन लाइन लगा के तो डिफरेंस लिखना है। ओशन कहते हैं लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह के ऊपर पानी की बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी होती है उसको हम कहते हैं ओशन, और उसके बरक्स जो एक छोटी स्मॉलर वाटर बॉडी होती है उसको हम कहते हैं सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड आइस्थमस। स्ट्रेट और आइस्थमस के दरमियान में क्या फ़र्क है, ये भी आपने इसी तरह से मार्जिन लाइन लगा के दरमियान में तो डिफरेंस लिखना है। स्ट्रेट कहते हैं नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को मिलाती है, दरमियान से तंग सा पानी का गुजरता हुआ रास्ता, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ये हमने डायग्राम्स में भी देखे थे। आइस्थमस कहते हैं अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड, दो बड़ी लैंड मैसेज को दरमियान में से जो एक बारीक सी स्ट्रिप जोड़ती है उसको हम कहते हैं आइस्थमस। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट इज़ मीन बाय ओशन करंट्स। ओशन करंट का क्या मतलब होता है, व्हेन द ओशन वाटर मूव्स परमानेंटली इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड ओशन करंट। जब समुद्री पानी मुश्किल तौर पर एक खास सीमत में बहता रहता है तो इसको हम कहते हैं ओशन करंट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।